भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के तत्वावधान में बिलासपुर जिला मुख्यालय पर स्थित बहुउद्देश्य सांस्कृतिक परिसर में शुक्रवार को राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर से करीब 40 साहित्यकारों और कवियों ने भाग लिया। सभी साहित्यकारों और कवियों ने अलग अलग विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विजय विशाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में डॉक्टर शंकर वशिष्ठ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जिला भाषा अधिकारी रेवती सैनी ने मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी देकर सम्मानित किया। कवि सम्मेलन में किसी ने अपनी रचना के माध्यम से नारी शक्ति का गुणगान किया तो किसी ने धर्म की कट्टरता को लेकर अपने विचार प्रकट किए। वहीं कई कवियों ने समाज में फैली कुरीतियों पर भी चोट की। बधाई हो बधाई, चौदहवीं का चांद आया है। बेटे के जन्मदिन पर शर्मा जी अपनी अस्पताल में भर्ती पत्नी से कुछ यूं बोले। कुल सर्पी सब बह गई, बहे भवनों की स्मृति रह गई। कुल सर्पी सब बह गई, बहे भवनों की स्मृति रह गई। मत सदा ना करना दानी, वर्षा दानी वर्षा दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असांते तेनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका, ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉगिन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर। विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज़ पेज।